हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे कि हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का जो मेथड आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बेस्ट मेथड है, क्योंकि इस मेथड को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर का हर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, टाइम भी कम लगेगा और गलती होने का भी चांस बहुत कम रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। समय और कार्य से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति रहेंगे, मान लीजिए नाम उसका कुछ भी दिया हुआ रहेगा ए बी सी, जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम दिया हुआ ए और बी। अब वो कुछ दिन में किसी कार्य को करेंगे, सबकी क्षमता अलग अलग रहती है या रहेगी क्वेश्चन में। जैसे ए यहाँ पर 10 दिन में उसको समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। काम जो रहता है वो दोनों एक ही काम को करते हैं। काम यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि क्या करते हैं, लेकिन हर प्रश्न में यही आपको मिलेगा कि काम दोनों सेम करते हैं, जैसे कुआं खोद रहे हैं या पेन बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो दोनों सेम काम को ये 10 दिन में कर सकता है या 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं उसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। इसको करने का बहुत सारे मेथड है, आपने शायद इसको बना रखे होंगे कि 1/10 + 1/15 ऐसे करके बना रखे होंगे। तो ये जो मेथड है जो मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो छोटा क्वेश्चन है वो तो बन जाता है आसानी से उस मेथड से भी, लेकिन आगे चलकर जब हम बहुत सारे लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक काम छोड़ देता है या फिर और कोई आ जाता है, तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत ही आसानी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। ये 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, लेकिन काम क्या है वो हमें पता नहीं चलता है कि काम क्या है या कितना काम है। पेन बनाना है तो कितना पेन बनाना है, कुआं खोदना है तो कितना कुआं खोदना है, तो क्या काम है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 10 दिन और 15 दिन है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। ये जो 30 एलसीएम आएगा उसी को हम लोग, वही हमारा काम है। ये जो 30 है, 30 आया जो दोनों का एलसीएम, वो क्या हुआ हमारा, 30 काम हुआ। अब 30 काम हुआ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम, कि एक दिन में ये लोग काम कितना करते हैं। अब यहां देखिए, अगर ये 30 काम है तो एक जो है एक दिन में कितना काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, अब आराम से लोग निकाल सकते हैं। ए है सो ये काम जो है वो टोटल कितना है, 30 काम है। ए है वो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, अगर ए 10 दिन में पूरा काम करता है और जो टोटल काम है वो 30 है, तो ए जो है वो कितना करेगा, 3 काम करेगा। मतलब एक दिन में कितना किया, 3 काम किया। बी है वो 30 काम टोटल है और उसको 15 दिन में फिनिश कर देता है, तो एक दिन में कितना किया, 2 काम किया। अब हमारे पास पता चल गया है कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ पर बोलता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब हम लोग दोनों मिला दें तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, और टोटल काम हमारा कितना यहाँ पर पता है, 30 काम। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि ए उसी काम को कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है दोनों मिलकर वो भी उसी काम के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ टोटल 30 काम है और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अब यहाँ देखिए, दिन निकालना है तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, 30 काम था, एक दिन में लोग 5 काम कर दे रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ये हमारा आंसर हुआ।
ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप इस मेथड को नहीं जानते होंगे तो शुरू से अगर आपने समय और कार्य पहले नहीं बनाया है तो ठीक है, आप इस मेथड को सीखते जाइए, आपको आगे बहुत ही आसानी होगी। अगर आप दूसरा मेथड जानते होंगे तो फिर आप इस मेथड से स्टार्ट करके देखिए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6 दिन, 4 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी जो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया सेम उसी टाइप का, सिर्फ यहाँ पर क्या है कि तीन लोग हैं ए बी और सी। तो अभी जैसा हमने बताया था इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना समझाया था उतना फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में। बी कितने दिन में समाप्त करता है, 4 दिन में। और सी कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। क्या काम कर रहा है वो हमें पता नहीं है। तो जब कार्य पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कि कार्य निकालेंगे कि काम है क्या, और काम क्या है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 6, 4 और 12 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। ये जो 12 आया वही हमारा क्या हुआ, काम हुआ। टोटल जो काम हमारे पास है वो क्या है, वो 12 काम है। ये चीज ध्यान में रखना है कि हमें काम पता चल गया 12 काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन का काम निकालते हैं, एक दिन में ये लोग कितना काम कर सकते हैं, ए बी सी का क्षमता निकालते हैं। ए कितना काम करेगा, टोटल काम 12 है, ये क्या है उसको 6 दिन में समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12/6 = 2 काम। बी क्या करेगा, बी टोटल काम 12 है, ये 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना होगा, ये 4 दिन में समाप्त कर देता है तो कितना एक दिन में करेगा, 3 काम करता है। अब बचा सी, सी क्या करता है, टोटल काम है 12, इसको ये 12 दिन में समाप्त करता है, मतलब एक दिन में ये एक काम करता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कौन सा कार्य को, वही कार्य जो ये लोग 6 दिन में, 4 दिन में, 12 दिन में जो कर रहे हैं उसी कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर तीनों मिला दिया जाए तो एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, 2, 3, 5 और 1, ये 2, 3, 5 और 1, 6 काम, मतलब तीनों मिल जाए, एक दिन का ये काम हमने निकाला है, एक दिन में ये 2 काम करता है, 3 काम करता है और ये 1 काम करता है। अब तीनों को एक साथ लगा दें तो तीनों मिलकर 6 काम करेंगे एक दिन में, और टोटल काम हमारा कितना है, 12। तो ये पूछ रहा है जो टोटल काम है वो कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम है हमारे पास 12, ये लोग एक दिन में 6 काम करता है, तो तीनों को मिला देंगे तो 2 दिन में समाप्त कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। बस ये सिंपल सा था, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे, और इतना आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे कि ए 6 दिन, 4 दिन और 12 दिन में करता है तो काम हमारा कितना, यहीं पर डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल के डायरेक्ट 12 लिखेंगे, काम हमें पता चल गया, ये लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, जब एग्जाम में बनाएंगे तब। तो ये 12 काम हमें मिल गया। अब एक एक दिन का हम लोग ए लिखेंगे डैश देके डायरेक्ट, 2 काम, 3 काम और 1 काम, पता चल गया 6, और इसमें डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा रफ करना है, जैसे कि एग्जाम में हमें बनाएंगे कि ये 12 हो गया, फिर ए का निकाल देंगे ये जो भी है, तो मतलब एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ। एक बार ये मेथड आप समझ गए तो आपको समय और काम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत ईजी लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 24 दिनों में और सी तथा ए इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर चलिए जैसे पहले दिया हुआ था वैसे हम लोग करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में।
अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ये चीज़ तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायरेक्ट हम निकालेंगे कि ये तीनों एक काम कितना है, काम कितना है वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि हमें एलसीएम निकालना है, तो 18, 24 और 36 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 काम आएगा। जो टोटल काम आ गया हमारा कितना आ गया, 72 काम। ये हमारा मेन है, एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के हम लिखेंगे कि हमारा जो काम है वो 72 काम है। अब और एग्जाम में और जो हमें लिखने का जरूरत है वो क्या है कि एक दिन का जो काम है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एक दिन का काम हमें क्या करना है, वो निकालना है। अब एक दिन का काम हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, एक दिन का हम लोग काम निकाल रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा। ए प्लस बी क्या करता है, टोटल काम है 72 और ए प्लस बी 18 दिन में उसको समाप्त कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। 72 को 18 से डिवाइड कर देंगे, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में बताया है, थोड़ा शॉर्ट हम लोग चल रहे हैं। ए प्लस बी कितना करेगा, 4 काम करेगा, क्योंकि टोटल काम जो है वो 72 काम है और ये 18 दिन में समाप्त कर देता है, तो 18 चौक 72, ये एक दिन में 4 काम करता है। बी प्लस सी ये कितना काम करेगा, टोटल काम है 72, ये 24 दिन में समाप्त कर देता है, इसका मतलब एक दिन में 3 काम करता है। सी प्लस ए टोटल काम है 72, ये 36 दिन में समाप्त कर देता है, तो इसका मतलब एक दिन में ये 2 काम करता है। अभी हमारे पास निकल गया कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है, और सी प्लस ए एक दिन में 2 काम करता है। अभी पूछ रहा है कि तीनों मिलकर ये जो 72 काम है वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर पहले देखते हैं कि एक दिन में कितना काम करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इधर देखेंगे कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार, मतलब ऐड करेंगे तो सब 2-2 बार आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2a प्लस 2b प्लस 2c आता, तो 2 को कॉमन ले लिया। अब ये क्या है कि काम को ऐड कर दे रहे हैं, 4, 3, 7 और 2, 9 काम। तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 2 उधर जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 का। अब ये हमें निकल गया क्या कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन का काम, ये क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, ये एक दिन का काम, एक दिन में 9/2 काम करते हैं, और टोटल काम है हमारा 72, तो दिन कितने लगेंगे। जो दिन हम लोग निकालते थे ना, ये तो एक दिन का काम हुआ, अब दिन कितना लगेगा, तो ये 72 था और टोटल, और उसमें 9/2 से डिवाइड कर देंगे, 9/2। अब ये 2 क्या है कि ऊपर चला जाएगा, 72 × 2/9, तो आ जाएगा कितना, 16 दिन, यही हमारा आंसर होगा। बस इस मेथड से आप जो भी बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनेगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ा डिजिट नहीं आएगा, बटा में ज़्यादा नहीं आएगा, फ्रैक्शन वाला बहुत कम कैलकुलेशन आएगा, हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा। बस ये 9/2 काम एक दिन का आ गया, तो दिन निकालने के लिए टोटल काम से उसको डिवाइड कर देते हैं, 16 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 5 दिन, और पुत्र के साथ मतलब क्या हुआ, व्यक्ति प्लस पुत्र कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में। काम कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम लोग काम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 काम, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 15 हो गया, तो काम हो गया हमारा 15 काम। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद जो करते हैं वही हमारा मेन काम है कि एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं, तो कितना होगा, व्यक्ति जो है वो अकेला
वो अकेला कितना काम करेगा एक दिन में? टोटल काम है हमारे पास 15 और वो 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तभी तो 5 दिन में 3×15 काम टोटल कंप्लीट करेगा, मतलब 15/5, तो 3 काम हो गया। और व्यक्ति प्लस पुत्र, मतलब पुत्र के साथ मिलकर ये 3 दिन में समाप्त कर दे सकता करता है और 15 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब सिर्फ पुत्र। अब देखिए दोनों मिलकर 5 काम करता है और वो अकेला 3 काम करता है, तो सिर्फ पुत्र कितना करता होगा? 2 काम करता होगा। तभी तो ये दोनों मिलकर 5 काम करेगा, क्योंकि व्यक्ति अकेला 3 काम करता है, पुत्र 2 काम करता है, तभी तो दोनों मिलकर 5 काम करेगा। यहाँ पर दिया हुआ था कि दोनों मिलकर 5 काम करता है, व्यक्ति अकेला 3 काम करता है, तो आसानी से माइनस करके हम लोग निकाल देंगे कि पुत्र अकेला कितना काम करता है? 2 काम करता है। कभी कभी एग्जाम में क्या मिस्टेक हो जाता है, पुत्र हमारा आया 2, ऑप्शन में देखा हमने 2, मार दिया आंसर 2, लेकिन अभी ये आंसर हमारा नहीं आया, ये तो एक दिन का काम आया है। अब पूछ रहा है पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा, तो दिन अभी निकालना बाकी है। ये चीज़ हमें हमेशा एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग स्पीड में बनाते हैं, वहाँ माइंड भी डिस्टर्ब रहता है थोड़ा कि जल्दी करना है। तो यहाँ आ गया पुत्र 2 काम, ऑप्शन में भी दिख गया 2 संयोग से, तो हमने मार दिया 2, तो वो मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पुत्र एक दिन में 2 काम करता है, ये काम आया है, लेकिन हमें पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 15 और ये करता है 2 काम, तो कितने दिन में करेगा? बस या तो ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है या 7/1/2 या 7.5 दिन, जैसे भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आंसर हमारा हो गया 7.5। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इस मेथड से आप बनाएंगे तो आगे भी चलकर आपको बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अभी जो मैंने कुछ इसके पहले जो बताया था तीसरा क्वेश्चन, उसमें था कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करे। इससे पहले जो अभी तक हमने क्वेश्चन बताया वो बेसिक के तौर पर बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं, पहले आते थे लेकिन अभी एग्जाम में आने बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से सीखना जरूरी होता है, इसलिए हमने वो बेसिक के तौर पर सारे क्वेश्चंस बताए हैं। ये क्वेश्चंस कभी कभी आता है, इस टाइप से आना शुरू होता है, या नेक्स्ट वॉल्यूम में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारे आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, या जो क्वेश्चन जिस टाइप का आता है वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि ए और बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 8 दिन में। ए प्लस बी 8 दिन, बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन, और सी प्लस ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले काम निकालते हैं। काम निकालने के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो 8, 12 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, तो हमारे पास काम पता चल गया कि 120 काम हो गया, टोटल काम 120। अगर वीडियो को आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि टोटल काम हमारे पास 120 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं फिर कि एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम मतलब ये लोग का क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में ये कितना कर सकता है। तो ए प्लस बी का निकालेंगे। अब टोटल काम है 120 और ए प्लस बी एक दिन में करता है 8 काम। टोटल काम है 120 और उसको कंप्लीट करता है प्लस बी 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये हम लोग निकालेंगे। तो 120 को 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 काम। मतलब ए प्लस बी कितना? 15 काम करेगा, तभी तो 8 दिन में इसको समाप्त कर देगा। फिर बी प्लस सी फिर कितने दिन में हो जाएगा? 10 काम। 12 दिन में समाप्त कर देता है और 120 काम है, तो 10 काम एक दिन में करता होगा, तभी तो 12 दिन में 120 काम करेगा। फिर सी प्लस ए कितना काम करता है? 8 काम, क्योंकि 15 दिन में समाप्त कर देता है और 120 काम है, तो 120 को 15 से भाग देंगे तो 8 काम हो गया। अभी हमें पता चल गया कि ए प्लस बी एक दिन में 15 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 10 काम करते हैं, और सी प्लस ए एक दिन में 8 काम करते हैं। अब हमें पूछ रहा है यहाँ पर
इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बताए थे उसमें पूछ रहा था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, ऐड कर देते थे। अब यहाँ पूछ रहा है सी अकेला, तो सबसे पहले तो तीनों मिलकर ही हम लोग निकालेंगे कि तीनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो जैसे भी बताया था कि अगर ऐड करेंगे तो दो बार ए आएगा, दो बार बी आएगा, दो बार सी आएगा, तो टू कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस इधर हो गया, और इधर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 काम। तो ए प्लस बी प्लस कितना काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो भी था तो दो को उधर हमें ले जाना पड़ेगा, तो 33/2 काम। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 33/2 काम करते हैं। अब हमें पूछ क्या रहा है सी के बारे में। अब देखिए ये सी पूछ रहा है, इसमें ए प्लस बी को अगर हम लोग माइनस कर दें, ये जो ए प्लस बी दे रखा है इसको अगर माइनस कर देंगे तो सी मिल जाएगा। अब तीनों मिलकर 33/2 काम करते हैं और ए प्लस बी कितना करता है, 15 काम करता है, तो इसी 15 को इसमें से माइनस कर देना है। तो सी अगर हमें निकालना है कि सी कितना काम करता है, तो 33/2 तीनों मिलकर था और ए प्लस बी कितना है, 15 काम करता है, तो इसको माइनस कर देंगे, 15/1 बराबर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेकर आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ये आएगा 3/2। अब ये आंसर नहीं आया है, बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि ये आंसर नहीं आया है, ये आया है कि सी 3/2 काम करता है, कितना एक दिन में करता है सी 3/2 काम। पूछ रहा है कितने दिन में करता है, तो दिन निकालने के लिए जैसा कि हम लोग अभी निकालते आ रहे हैं बार बार कि टोटल काम है 120 और सी करता है 3/2 काम एक दिन में, तो 3/2 लिखे या ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसको काट देंगे, 3×4 मतलब 40×2 = 80, तो 80 जो दिन आया वही हमारा क्या आया, सर आया, है ना आसान। कहीं समझने में परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि a प्लस बी यहाँ तक तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालता था तो हम लोग तीनों ऐड कर देते थे, फिर इसमें डिवाइड कर देते थे तो दिन आ जाता था। लेकिन यहाँ पूछ रहे c अकेला, तो c अकेला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल है तीनों उसमें से a प्लस बी को माइनस कर दिए। कभी कभी पूछेगा a अकेला पूछेगा तो b प्लस सी को माइनस करेंगे, पूछेगा कि b अकेला तो c प्लस a को माइनस करेंगे। तो यहाँ सी पूछ रहा था तो इसको माइनस कर दिए, तो 3/2 काम आ गया। यहाँ पे इसने हमने एलसीएम लेके डिटेल में नहीं बताया है, आप एग्ज़ाम में यानी आप अपने घर में प्रैक्टिस जब करेंगे तो इसको माइनस करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा काम आता है, ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन दे के कहीं 3/2 एग्ज़ाम में ना मार दें। ये हमारा काम आया और दिन निकालना है, तो दिन निकालने के लिए फिर टोटल काम में उसको डिवाइड कर देते हैं तो दिन आ जाता है हमारा। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हमने बताया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में अपने आप सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करें, अगर आप हमारे बताए सारे क्वेश्चन समझ गए हैं, आपने शुरू से वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, तो इसे सॉल्व करें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मुझे लगेगा कि आपने इसे सीख लिया है। यदि कोई डाउट भी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और हाँ अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।